हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस और थियोरीज बिलोंग करती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस थियोरी है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का द बिग बैंग थियोरी। अगर आपको आसान भाषा में समझाया जाए कि बिग बैंग थियोरी क्या है, तो ये कहती है कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स आगे एक बहुत ही हॉट और डेंस पेन के डॉट के साइज के बिंदु से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। एक महाविस्फोट के बाद पूरा यूनिवर्स फैलना शुरू हुआ और आज तक फैलता ही जा रहा है, और आज जिस यूनिवर्स को आप देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉट था। तो वेरी अमेजिंगली कैसे एक छोटे डॉट से आज हमारा ये विशाल यूनिवर्स बना, उसके बारे में आज हम आप लोगों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली बताएंगे। तो दोस्तों, हमें बिग बैंग से ये पता चलता है कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स आगे एक बहुत ही हॉट और डेंस डॉट से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, और उसी समय में टाइम भी एग्जिस्टेंस में आती है। जिस पल के पहले टाइम का ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, उस पल के पहले क्या हुआ था ये सोचना भी हमारे लिए गलत थिंकिंग है। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स आगे बिग बैंग के टाइम में जो लाइट और रेडिएशन निकला था ब्लास्ट के तहत, वो आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में डिटेक्ट होता है। 2001 में नासा एक स्पेस मिशन लॉन्च करता है जिसका नाम है विल्किंसन माइक्रोवेव एनाइसोटोपिक प्रोब। तो इसी तरीके के रेडिएशन और लाइट के स्टडी करता है, और हमें अर्ली यूनिवर्स के एज और यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे यूनिक डेटा देता है, और उन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स का एज तय करना, जो 13.7 बिलियन ईयर्स का है। यूनिवर्स फॉर्मेशन के 3 मिनट बाद यूनिवर्स में बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, इस यूनिवर्स का टेम्परेचर भी कमता जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खुद में क्रैश होकर ड्यूटेरियम पैदा करते हैं, जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ये ड्यूटेरियम खुद में कंबाइन होकर हीलियम पैदा करता है, जो एक स्टार फॉर्मेशन के लिए एक इनिशियल मटेरियल है। विकास के 380,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्ली के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटॉम्स तैयार करते हैं। इस फेज को हम रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्प्शन के वजह से हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस समय में निकला लाइट आज तक हमारे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ये एरा ऑफ रिकॉम्बिनेशन को हम एज ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस टाइम में पूरा यूनिवर्स डार्कनेस में था। किसी भी तरीके का लाइट का कोई ट्रेस नहीं था इस टाइम में। इसके 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ साल बाद हमारा यूनिवर्स अपने डार्क एज से निकलना शुरू होता है। इस पीरियड को हम दी एज ऑफ रीआयनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये डायनामिक फेज 500 सालों से भी ज़्यादा टाइम से चला था। उसके बाद यूनिवर्स फर्स्ट टाइम के लिए स्टार्स और गैलेक्सी को देखता है क्लम्प्स ऑफ गैस के कोलैप्स होने की वजह से। इसी क्लम्प्स ऑफ गैस के कोलैप्सन के वजह से जो अल्ट्रावायलेट लाइट निकला था, वो अल्ट्रावायलेट लाइट यूनिवर्स में मौजूद हाइड्रोजन गैस और फॉगी हाइड्रोजन एटॉम्स को क्लियर करके हमारे यूनिवर्स को फिर से ट्रांसपेरेंट बना देती हैं। अब साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में मौजूद दूर दूर के स्टार्स और ओल्डर गैलेक्सी के स्टडी में लग जाते हैं, जिससे हमें अर्ली यूनिवर्स और बिग बैंग के टाइम में हुआ इवेंटों के बारे में पूर्ण डेटा देंगे। और कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव के स्टडी से भी हमें यूनिवर्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातों के बारे में पता चलता है। बहुत से पुराने स्पेस मिशंस जैसे WMAP कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जिसको हम कोप के नाम से जानते हैं, जो लॉन्च किया गया था 1989 को, या हबल स्पेस टेलीस्कोप जो 1990 को स्पेस में छोड़ा गया, जो पृथ्वी को ऑर्बिट करते करते हमें यूनिवर्स, पृथ्वी, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, गैलेक्सी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में यूनिक और प्योर डेटा देता ही जा रहा है। 1960s और 70s में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये ऑब्जर्व करती हैं कि यूनिवर्स में जितना ज़्यादा मास दिखता है उससे कई ज़्यादा मास मौजूद है। बेसिक न्यूटनियन फिजिक्स ये कहती है कि यूनिवर्स में जितने गैलेक्सी है उसके सेंटर में मौजूद स्टार की ऑर्बिट करने का स्पीड उसके बाहर मौजूद स्टार के ऑर्बिट करने के स्पीड से ज़्यादा होती है। लेकिन कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन के एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ये कहती है कि गैलेक्सी में मौजूद ऑल स्टार्स सेम स्पीड में घूमती है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि गैलेक्सी में मौजूद ऑल स्टार्स किसी न किसी पॉइंट को सेंटर करके सेम और लेस स्पीड में घूमती रहती है। ये मिस्टीरियस और इनविजिबल मास को हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। ये डार्क मैटर एक इन्फ्रारेड स्टफ है,
एक हाइपोथेसिस के कहने पे कहा जाता है कि ये कुछ एक्जोटिक पार्टिकल से बना है जो लाइट और रेगुलर मैटर के इंटरेक्ट में नहीं आता। इसी वजह से हम इसको यूनिवर्स में उतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में ये डार्क मैटर 23% तक है और रेगुलर मैटर है 4%। अब ये रेगुलर मैटर क्या है? रेगुलर मैटर वो है जिससे हम आप पूरा यूनिवर्स का जो गैलेक्सीज, स्टार्स, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूरज सब कुछ बना है। 1920 में फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी करते हैं। वो अपना बनाया न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेलीस्कोप जो मौजूद है माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी लॉस एंजलिस में, उनसे वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक मोशन पे है और हमारा यूनिवर्स दिन के दिन बढ़ता जाता है। उसके बहुत साल बाद 1998 में उन्हीं के नाम के अनुसार एक टेलीस्कोप बनाया जाता है जिसका नाम है दी हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिससे यूनिवर्स में मौजूद दूर दूर के गैलेक्सी, स्टार, सुपरनोवा के बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। बिग बैंग के टाइम हमारा यूनिवर्स जिस तेज़ी से फैल रहा था, प्रेजेंट टाइम में यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत स्लो रेट में हो रहा है। इस डिस्कवरी को लेकर एक सरप्राइजिंग बात तो यह है कि बहुत कालों से यही माना जाता था कि ग्रेविटी और मैटर के चलते हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत स्लो रेट में होगा, या ये भी कहा जाता था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फैलने के बजाय कमना शुरू होगा, मतलब संकुचित, मतलब कंट्रास्ट होगा। लेकिन इसका पूरा उल्टा होता है। इसका एक ही रीज़न है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी भी डार्क मैटर की तरह इन्फ्रारेड है। इसकी वजह से आज तक हम इसको ढूंढ नहीं पाए हैं। पूरे यूनिवर्स में ये 73% तक है, फिर भी आज इस मिस्टीरियस चीज़ को हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यही डार्क एनर्जी साइंटिफिक बेस में बहुत ज़्यादा हॉटली डिबेटेड एक टॉपिक है। अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ बिग बैंग के 9 बिलियन ईयर्स के कुछ साल बाद। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का एज होता है 4.6 बिलियन ईयर्स। करेंट एस्टिमेशन से हमें पता चला है कि मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद 100 बिलियन स्टार्स में से सूरज एक स्टार है और हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर से 25,000 लाइट ईयर दूर से चक्कर लगा रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हमारा सूरज और सोलर सिस्टम में मौजूद एक एक पर्टिकुलर मैटर यूनिवर्स में मौजूद एक जाइंट क्लाउड ऑफ गैस सुपर नेब्यूला से बना है। ये सुपर नेब्यूला ग्रेविटी के चलते कोलैप्स हो जाता है और एक फ्लैट डिस्क की आकार ले लेता है। इस फेज के चलते जो ज़्यादातर प्रोडक्ट और ज़्यादातर जो मैटर्स है वो बीच में आ जाते हैं सूरज के बीच में, जिससे हमारा ये सोलर सिस्टम बनता है। और दोस्तों, सोलर सिस्टम को लेके हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम को लेके किसी भी तरीके का अलग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बिग बैंग के ऊपर बेस्ड है। सो अगले वीडियो तक जारी रखिए, हम सोलर सिस्टम को लेके एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे। आखिर में दोस्तों, मैं इस यूनिवर्स के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज तक जो डेटा और नॉलेज हम कलेक्ट कर पाए हैं वो इस विशाल यूनिवर्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। सो हमें अपना सर्चिंग जारी रखना पड़ेगा। और आजकल के बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड स्पेस मिशन से हमें बहुत कुछ पता तो चल रहा है, लेकिन यूनिवर्स इतना ही बड़ा है, अनमेजरेबल है, जिसके बारे में हर एक डेटा कलेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप किसी तरीके के साइंटिफिक वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अदर जो सोशल पेज है उनका लिंक दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस लिंक को जाके चेकआउट कीजिए। So thanks for watching.